और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया के मॉस्को में ड्रोन अटैक की घटना सामने आई है। मॉस्को के रिहायशी इलाके में यह ड्रोन अटैक हुआ है। एक बिल्डिंग से टकराया है ड्रोन। मॉस्को के युलिस्ता इलाके में ड्रोन अटैक किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल काफी किया जा रहा है और यूक्रेन खासतौर पर रूस के कई इलाकों को ड्रोन से टारगेट कर रहा है। और एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें ड्रोन से रूस के इलाकों पर हमला किया गया है। रशिया के मॉस्को की ये तस्वीरें जहां पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। जैसे धमाका होता है वैसे सायरन की आवाज यहां पर आने लगती है और ये वीडियो आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है, लपटे नजर आती हैं दूर से। लगातार रशिया यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और यूक्रेन लगातार अपने हमले जो है वो बढ़ा रहा है। रशिया के अलग अलग इलाकों में ये हमले किए जा रहे हैं। संसद की स्थायी समिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को संसद की चार स्थायी समितियों की अध्यक्षता मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी रक्षा और वित्त जैसी समिति की मांग कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्हें विदेश मामलों की समिति मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस छह समितियों की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें लोकसभा में तीन और राज्यसभा में एक समिति मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति की घोषणा में देरी नहीं की जा रही है, जैसा कि कुछ विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब डर निकल गया है। वर्जीनिया में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने छोटे कारोबारियों को एजेंसियों का डर दिखाया। चुनाव से तीन महीने पहले कांग्रेस के सभी बैंक खातों को सील कर दिया। सभी पूछ रहे थे कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा देखा जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ये नहीं समझती कि यह देश सबका है, भारत का एक संघ है, संविधान में ये साफ लिखा है, लेकिन बीजेपी कहती है ये एक संघ नहीं है, ये अलग है। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। फिर नमकीन के निकाले गए विस्तारित नमकीन खाद्य पदार्थों पर भी फैसला लिया गया। इन पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12% की जा रही है। वहीं दो नए जीओएम बनाए गए हैं, एक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत गाजा में युद्ध विराम का समर्थन करता है। रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर ने आपसी बातचीत के जरिए समाधान के लिए भारत का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और लोगों के बंधक बनाने की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने गाजा में जल्द शांति बहाली की भी उम्मीद जताई है। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय की साइबर विंग 14C के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह साइबर कमांडोज कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी साइबर फ्रॉड मिशन सेंटर यानी CFMC राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश भर में उभर रहे नए साइबर फाइनेंशियल खतरों के मद्देनजर इस प्रक्रिया में सारे बैंकों और पेमेंट गेटवे को जोड़ा गया है। इस बारे में गृहमंत्री आज अहम घोषणा भी करेंगे। Zee News.